देख लो भैया ना, क्या है इसका नाम, क्या है? कलर कोड फॉर रजिस्टर था ना, लिख लो भाई। ये तो मेरे को याद तो रखना है, देखो ये गंदा टॉपिक है पर याद रखना है, क्योंकि जेई मेंस में क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से, तो तुम्हारे जेई एडवांस में तो नहीं है ये। ये देखो होता है क्या, कोई भी रजिस्टर देखा है अगर लैब में, देखो ऐसा छोटा सा होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का सा कुछ है ना, उसमें चार कलर बने होते हैं, वही तुम्हारे होते हैं कोड्स होते हैं ना उसको, तो उसमें वैल्यू लिखी नहीं होती क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि वैल्यू लिखना मुश्किल होता है, तो हम क्या वो कलर कुछ बना देते हैं ना जो भी है। तो जैसे मान लो ये रजिस्टर है, इसके दो वायर निकले होंगे जो भी है कनेक्टर्स, तो इसमें चार तरह के कलर होते हैं ना, चार बैंड्स होती हैं, तो ये तुम्हें क्या बताती है, ये चार रजिस्टर की वैल्यू बताती है, तो इससे रजिस्टर की वैल्यू रीड कैसे करना है वो हमको आना चाहिए। तो ये देखो ये क्या होता है, ये डिजिट बन के लाती है, पहली डिजिट होती है, इसका मतलब ये समझ में आएगा, ये तुम्हारी होती है डिजिट टू, ठीक है, ये तुम्हारा होता है मल्टीप्लायर, और ये होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस या फिर बताया जितना एरर है ना उसका एरर बताता है, उसमें एरर कितना है। तो अब इनके मतलब क्या क्या है, ये बहुत सारे कलर की होती है, तो इनके पहले एक टेबल बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं ना, तो किस कलर का क्या मतलब है हमको पता चल जाएगा। तो सबसे तो कलर, ये बीबी रॉय क्या बतानी, अरे चुप हो जाओ, उल्टा विप जियो लिखो, हाँ बता दो बीबी रॉय क्या कर रहे थे। वेरी गुड भाई, ये भाई किस हो गया, क्या मतलब है, मतलब क्या है ऐसा ही गोल्ड सिल्वर सही ऑर्डर में लिखा है ना, ठीक है ना, ठीक है सही बात है, ऐसे याद करते तो ऐसे कर लेना, बीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और ये चले आ रहे बाकी है ना, हाँ ठीक है। अच्छा बी और बी में याद रखना है अपन को, पहला वाला ब्लैक है, पहला वाला ब्लैक है, दूसरा वाला हमारा ब्राउन है, और ये क्या है, देखो ये रेड, ये रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, देखो इसको देखो, ये विबजियोर का उल्टा है ना, इंडिगो नहीं है, बस विबजियोर का उल्टा है, ठीक है, और फिर विबजियोर तो हो गया, फिर जी मतलब क्या है, ग्रे, हाँ ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर ग्रे ही है वो। तो देखो इनके नंबर क्या होते हैं, यहाँ से डिजिट है ना, डिजिट कैसे लिखते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 9, बस गोल्ड सिल्वर नहीं होता ना, तो ये वाले कभी गोल्ड और सिल्वर नहीं होंगे ये दोनों ना, ठीक है। अब मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब होता है, तो मल्टीप्लाई करते हो, अब ये बताना है कि जैसे इसने तो ये बता दिया 45 66 जो भी बता दिया 33 है ना, ये दो डिजिट ने तो ये बताया, अब हो सकता है 33,000 ओम्स हो, समझो 10^6 हो, मेगा ओम हो, या फिर 3.3 ओम हो, तो किससे मल्टीप्लाई करें ना, तो जो भी उसको 10 जो भी डिजिट है उसे 10^ पे चढ़ा दो, 10^0 10^1 10^2 10^3 10^4 10^7 आओ, तो ये तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ये दोनों कम करते हैं, तो ये गोल्ड वाला 10^-1 या फिर 0.1 और सिल्वर वाला क्या है 0.01, देख लो एक बार। अब देखो गोल्ड और सिल्वर, जो लास्ट वाला वायर होगा तुम्हारा वो हमेशा या तो गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा, ठीक है, तो उसका टॉलरेंस या फिर एरर वो बता देगा, कोई भी चीज़ हमें एक्यूरेटली नहीं पता होती ना, हर डिवाइस में कुछ ना कुछ एरर होता है, तो वो हमको बताएगा उसमें एरर कितना है, तो अगर गोल्ड हो तो गोल्ड 5% का एरर बताता है, सिल्वर 10% का, तो ये तुम्हें एरर बताएगा, एरर या टॉलरेंस जो भी है ना। चलो ठीक है ना, तो चलो कोई भी ले लो है ना, इसमें मान लेते एक क्वेश्चन कर दो, मान लेते कुछ भी कलर्स मान लो, तुम्हें रजिस्टर की वैल्यू बतानी है ना, जैसे मान लो ये रेड है, रेड ये ग्रीन ले लो, और ये क्या चाहिए तुम्हें, ये ले लो वायलेट है, और ये ले लो सिल्वर है, बताओ इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो रेड और ग्रीन है ना, तो देखो रेड पहली डिजिट होगी, ग्रीन दूसरी डिजिट, तो रेड के आगे क्या है 2, ग्रीन के आगे क्या है 5, तो 25 लिख दिया, वायलेट कितना है 10^7 मल्टीप्लायर है ना, तो इनटू 10^7 प्लस माइनस, अब कितना परसेंट एरर है इसमें है ना, तो देखो सिल्वर 10% एरर ओम्स में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस जो लिख रहे हैं 10% कितना होगा इसका, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 25 इंटू 10^7 इंटू 1 ± 0.1, ये तो आएगा, तो इसके बीच में लाई करेगी वाली वैल्यू है ना, नहीं आया समझ में तो पूछ लो, एरर एरर हर चीज़ का एरर होता है, जैसे तुम्हारा वेट कितना है, मास कितना है, चश्मे का नंबर कितना है, हाँ तो वो एग्जैक्ट 0.5 नहीं है ना, उसमें बहुत सारा एरर होगा, हो सकता है वो 0.5 प्लस माइनस तुम्हारा 0.0035 हो, हर चीज़ में एरर होता है, हम जो भी मेजरमेंट करते हैं कोई भी मेजरमेंट विदाउट एरर नहीं होता एक्सेप्ट काउंटिंग, ये तुमने पढ़ा होगा ना जब मेजरमेंट पढ़ाते हैं इन्होंने है ना, जैसे मैं बोलूँ ये कितने मार्कर है, तो ये हमें 100% एक्यूरेसी बताना है, इसमें एरर 0 है, इसकी एक्यूरेसी कितनी 100%, पर जो मेजरमेंट्स होती हैं, तुम लेंथ मेजर करो, मास मेजर करो, वेट मेजर करो, करंट करो, कुछ भी करो,
तो हर मेजरमेंट का कुछ ना कुछ एरर होता है, तो वो हमें एरर बताना पड़ता है, वो एक्सपेरिमेंट्स में इंपॉर्टेंट होता है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है उसमें कितना एरर है। ठीक है क्या? तो बाकी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे।